शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र के काठी गांव में चुनावी रंजिश के चलते चुनाव हारने वाले प्रत्याशी पक्ष ने सरपंच और सहायक सचिव पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सरपंच सचिव सहित घायल दोनों पक्षों के लोगों को उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदरवास थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ बलवा हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि काठी गांव में हाल ही में हुए सरपंच पद के चुनाव में ठाकुर लाल धाकड़ ने सरपंच नत्था लाल जाटव का समर्थन किया था, जिसके चलते नत्था लाल जाटव गाँव का सरपंच बन गया था। और ठाकुर लाल धाकड़ का बेटा मुकेश धाकड़ इस पंचायत में रोजगार सहायक है, जिसके चलते वह इस पंचायत में आज शासकीय योजनाओं के काम से पंचायत में काम कर रहा था। तभी हारने वाले पक्ष के डेढ़ दर्जन लोगों ने सरपंच नत्था जाटव और रोजगार सहायक को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और घायलों का शिवपुरी के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? ठाकुर लाल। कहाँ रहते हो आप? कौन सी तहसील में आता है? आपके साथ जो झगड़ा हुआ किस मामले को लेकर हुआ? हमारे सरपंच वो खड़े हुए जो हम खड़े हुए तो हमारा प्रत्याशी जीत गया, अर्जुन सीट थी उनका हार गया। जब से हमें कई बार मेरी कार घेरी उनने, आज मेरा बालक रोजगार सहायक है, वो पंचायत में गया था कुछ काम करने आदिवासियों के। क्या नाम है उसका? मुकेश। तो उसको इनने घेर लिया, बोले ने और कल्लू को मेरा करना हो। फिर क्या हुआ आगे? उसको घेर लिया तो उसने हमें फ़ोन किया कि मुझे घेरिया जी, तो पाँच छः बैठ के गए उसको लेने के लिए। उधर से लौट गया तो गड़ में सीट है वहीं से, उनमें छः सात आठ आदमी थे, आठ दस आदमी, उनने हमने रखने के लिए कार में लट दे दी, कांच फोड़ दिया और हमें पर्चा दिए जहाँ पर ये पर्चा यहाँ लट है। अच्छा, तो आपका बेटा रोजगार सहायक है? रोजगार सहायक है। तो उसके साथ मारा पीटी थी, आपके साथ भी थी? हाँ, सभी का, मेरे तीन बालक तीनों को मारा पीटा, दोनों भाई हम दोनों को पीटा। क्या क्या नाम है इनके? मुकेश, राम, प्रेस, मनोज और ठाकुर लाल, ईश्वर लाल और नत्था जाटव सरपंच। अच्छा, सरपंच को भी मारा? सरपंच को भी मारा। तो शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।